ट्रेन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ट्रेन भी चलती है नेपाल, हमने बस देखी थी, एक भाई ने वीडियो बनाई थी। नहीं इंडिया चलती भाई नेपाल की, यार देखते उनका हैं बार कि साल खुला रहता है दोनों के लिए। कैसी है भाई ट्रेन, और नेपाल कैसे में माहौल कैसा है, सिर्फ ये देखना ज्यादा शौकिंग होगा, ये मजेदार है, देखते हैं वीडियो। कहते हैं भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ दोनों देश व्यापार से तो जुड़े हैं, पर इन दोनों देशों के परिवार भी बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हैं। भारत और नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला रहता है, और नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने के संसाधन बहुत सारे हैं। बात करें रेल मार्ग की, तो करीब 8 साल के बाद अब फिर से इन दोनों देशों के बीच ये दिलों को जोड़ने वाली लाइन बिछ चुकी है, और नेपाल भारत का प्रेम अब और भी पक्का और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और आज मैं भी इसी नई यात्रा का गवाह बनने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस विशिष्ट यात्रा का भागी बनिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोर्स। तो फिलहाल मैं हूँ अभी जयनगर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से बहुत ही स्पेशल जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। एक और चीज़ है कि जयनगर बोल सकते हैं कि एक तरह से एक बॉर्डर स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है इंडिया का। इसके बाद से जो नेपाल की बॉर्डर है वो शुरू हो जाती है, इंडिया की ट्रेन सिर्फ वहीं तक चलती है। लेकिन आज हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और जाने वाले हैं नेपाल तक। तो ये मेरी एक तरह से पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, और ये ट्रेन जो है ये पहली बार चलाई गई है इस रूट पे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो बिल्कुल, मैं सुबह से परेशान था कि जो ट्रेन है पता नहीं कब से चलेगी, लेकिन भैया की शॉप पे आया तो आज के पेपर में देखो लिखा हुआ है कि सुबह 8:15 जो है ट्रेन चलने वाली है। देखते हैं कि 8:15 चलती है या फिर और लेट होती है। चलिए, ट्रेन के टाइमिंग का तो समझ में आ गया। बाकी अगर बात करें जयनगर स्टेशन के बाहर की ना, तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है ना, वैसे वैसे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा। एक चीज़ और है कि स्टेशन के ठीक बाहर आपको ATM मिल जाएगा, तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो कैश आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अगर नेपाल में जाओ तो फिर आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो। हालांकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ जो है वो चल जाता है, तो इसलिए पर उसके लिए कैश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन। तो यहाँ पे बाकायदा एक चीज़ अच्छी है कि सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको नेपाल ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या दस्तावेज जो है आपके साथ रखने होते हैं। वैसे 2 तारीख को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आज आम पब्लिक के लिए इसे पहली बार खोला जा रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जिधर मैं जा रहा हूँ अभी, यहीं से मेनली वो ट्रेन जो है वो चलेगी, और यहीं से आपको टिकट जो है वो भी यहीं से लेना होगा, उस तरफ से कोई मतलब नहीं है। और ये इंडियन कस्टम्स, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोटो आईडी जो है वो दिखाना होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज कोई और नेशन का जो ट्रैवलर है वो शायद इसमें इतनी आसानी से ट्रैवल ना कर पाए। तो ये है वो टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट जो है वो मिलेगा। और बात करें टिकट कॉस्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो सारे स्टेशन तक का जो टिकट है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी फेयर देख रहे ना, ये नेपाली रुपीज़ में है। और इस स्टेशन का देख रेख जो है वो नेपाल के अधीन है, और अभी फाइनली बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सब लोग लाइन में जो है वो लग चुके हैं। देखिए, हम नेपाल जा रहे हैं, भैया के पास नेपाली 500 रुपये जो है वो रखे हुए थे, तो कुछ ऐसा होता है नेपाली 500 रुपया। चलिए, हमारा इंडियन करेंसी भी वहाँ चल जाएगा ना भैया। तो टिकट प्रिंट होने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, करीब 1.5 घंटे हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, पर अभी तक टिकट जो है प्रिंट नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान जो ट्रेन जो है ना वो आ चुकी है, तो पहले अराइवल जो है वो दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टिकट मिलती नहीं मिलती है। नेपाल और भारत के बीच वैसे तो आज़ादी के पहले से ही ट्रेन चलती थी। 1937 में नैरो गेज की ट्रेन भारत के रक्सौल से नेपाल के अमलेखगंज के बीच चलती थी। उसके बाद जयनगर से जनकपुर के बीच भी रेल सेवा शुरू की गई, पर उस वक्त लकड़ियों को ढोने के लिए सूट का इस्तेमाल होता था। चलिए बात करें टिकट की, तो टिकट जो है वो नहीं मिल पाया, मतलब प्रिंटर ख़राब था, इसलिए मैन्युअली जो है वो टिकट लिख करके दिया गया है। और बाकी जिनको टिकट नहीं मिल पाया वो लोग ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं, और उनका टिकट जो है वो
ट्रेन के अंदर ही बन जाएगा। तो ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है आज के दिन में, लेकिन आपको अपना आधार या फिर वोटर कार्ड जो है ना वो अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी आपका जो टिकट है वो बनेगा। चलिए फिलहाल आपको इंटीरियर जो है वो दिखाते हैं सेकेंड सीटिंग का। तो बिल्कुल टिपिकल DMU ट्रेन जो है, बिल्कुल वैसे ही इसका इंटीरियर है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो फैंस है ना वो दिए गए हैं, ये इसका पिक्चर लगी मुझे। आप कहाँ जाइएगा? टिकट मिला है आपको? देखिए दिखाइए, देखिए कुछ ऐसे मैनुअली जो है वो टिकट मिल रहा है। टिकट पे लिख के दिया है, प्रिंटर नहीं काम कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो कुछ ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है। बाकी अगर बात करें सीट्स की ना, तो सीट्स कुछ ऐसी है, नॉर्मल कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी है। तो ये सेकंड सीटिंग की सीट्स है, लेकिन हमारी टिकट जो है वो AC क्लास में है। चलते देखते हैं कि AC क्लास जो है वो कैसा है। अरे वाह, नेपाल जा रहे हैं आप लोग जनक दर्शन करने? कैसा लग रहा है पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? सुविधा हो गई ना बस से? अच्छा है ना? चलो ये बढ़िया चीज है, सब लोग खुश हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हैं नेपाल गाड़ी से? पहली बार ना? कैसा मतलब अभी लग रहा है? अभी पहले बस से जाते थे, अब सीधे ट्रेन से। इतना आनंद आ रहा है जिसका कि एक तो एक दूसरे देश से दूसरे देश में हमारा ये गाड़ी का। वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत का, बड़े भाई छोटे भाई का। बिल्कुल हाँ, चलिए सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार ट्रेन से लोग जो है वो नेपाल की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। और ये हमारा AC चेयर कार, लेकिन अभी तक जो इसके दरवाजे हैं वो नहीं खुले हैं, देखते हैं कब खुलता है। लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसमें यात्रा करने में, क्योंकि DMU ट्रेन में पहली बार AC चेयर कार में देख रहा हूँ। हालांकि कश्मीर में ऐसी ट्रेन चलती हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसे कोच में सफ़र करने वाला हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि तो ये सारे कोंकण रेलवेज का स्टाफ और इन्हीं कारण से जो ट्रेन है वो चल पा रही है। चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने लगी है। हिमांशु भाई भी यात्रा करें हमारे साथ। और ये है इसकी चेयर कार, बड़ा ही लग्जरी लग रहा है, मतलब कारपेट जो है वो बिछा हुआ है। और कुछ ऐसा है, वंदे भारत की याद आ रही है मुझे। वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो लग रहा है। और नए हाईवे बनने से रक्सौल अमलेखगंज रेल मार्ग को 1965 में बंद कर दिया गया, पर ये रूट फिर भी ऑपरेशनल था। पर उसके बाद 2001 में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था और ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बह गया। फिर इसके बाद यही एक छोटा सा हिस्सा बचा था, पर जिसमें 2014 के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चली, क्योंकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए ये रूट भी बंद रहा था। और फिलहाल अभी 100 की रफ्तार में इस रेल मार्ग पर मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो ये अपना पहला हॉल्ट इनरवा रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, और ये पहला हॉल्ट है नेपाल का। तो फाइनली ये हमारा पहला हॉल्ट है, और पहला हॉल्ट नेपाल के अंदर, यानी कि सिर्फ जनकपुर जो है ना वही इंडिया में है, उसके बाद सारे हॉल्ट जो हैं वो नेपाल के अंदर ही होने वाले। यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। हेलो हेलो सर, बनारस से? अच्छा, हम भी बनारस से ही हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। और यहाँ पर एक और रेक जो है वो रखा हुआ है, तो बहुत सारी रेक जो हैं वो चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन में सिर्फ एक रेक चल रही है, और यही रेक जो है अप एंड डाउन करने वाला है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ सेम है, मतलब वहाँ की गाड़ियाँ देखो, बिल्कुल ये हमारी बजाज की गाड़ियाँ हैं, और उस तरफ TVS की गाड़ी खड़ी है, तो सब इंडियन बाइक्स ही हैं, बस नंबर प्लेट जो है वो अलग दिखता है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि नेपाल में एंटर करने के तुरंत बाद जो Jio का सिग्नल है वो निकल चुका है, सिर्फ एयरटेल का सिग्नल जो है वो आ रहा है। तो मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो फिलहाल अभी यहाँ इनरवा तक एयरटेल का सिग्नल जो है वो आ रहा है, लेकिन Jio का सिग्नल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऊपर सामान रखने के लिए ना काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। कर्टन्स, वाकई यार ये कर्टन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी रॉयल लग रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उचित रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और बात करें सीट्स की ना,
तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जैसे हमारे वंदे भारत या फिर वंदे भारत की बात छोड़ दो, आप तेजस की बात करता हूँ, उनकी सीट से मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शताब्दी की अगर बात करें ना तो वो ज़्यादा अच्छी है, उनकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है, और इनकी सीट की कुशनिंग जो है ना वो नॉर्मल सिंपल ही है, तो बहुत ही सिंपल रखी गई है। तो इतनी छोटी जर्नी में करीब 7 स्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और अभी खजुरी स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हम। नेशनल ट्रेन होने के कारण से जो सिक्योरिटी है इस ट्रेन की वो भी काफ़ी पुख्ता है। और चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, हर स्टेशन पे आपको भीड़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कुछ ऐसा है जनरल क्लास का हाल, ये फैन तो बहुत ही कमाल के, मतलब चारों तरफ जो है वो पैसेंजर्स को हवा दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। वाकई में ये बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। और फिलहाल मैं अभी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा हूँ, ठीक इसके पीछे वाला जो कोच है वो एसी क्लास है, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग हैं, अगर मेरे को बात करनी है लोकल लोगों से तो मुझे सेकेंड क्लास में ही आना पड़ेगा। एक और चीज़ है, तो ये लोकल ट्रेन ही DMU ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में आपको जो वॉशरूम है ना उसकी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ कुर्था तक जाने वाली है, और बात करें इस पूरे रूट की तो ये रूट जो है वो जयनगर से बर्दीवास तक का बनाया गया है, मतलब काम जो है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ पहला स्ट्रेच जो था वो सिर्फ कुर्था तक ही था, ये करीब 34 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसको अभी खोला गया है। इसके बाद से सेकेंड फेज़ में कुर्था से लेकर के बर्दीवास तक का जो रूट है वो भी तैयार हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो तैयार हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग जो है बस वो बाकी है, तो बहुत ही जल्दी वहाँ तक भी ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। और बात करें इस रेल रूट की, तो इस रेल रूट को तैयार किया है हमारी प्यारी कोंकण रेलवेज ने, मतलब कोंकण रेलवेज को यहाँ बुलाया गया और सारा जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है ना वो हमारी कोंकण रेलवेज ने किया। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो जनकपुर जो है वो आने वाला है, और उसके बाद से कोर्था जो है वो पहुँच जाएंगे हम, लेकिन जनकपुर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसका अराइवल जो है वो लेते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी साल बाद इस रूट पर ट्रेन जो है वो चल रही है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या फिर घर के बड़े हो, सभी लोग घर के बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं। तो जनकपुर में आपको कुछ पुराने जो रूट का अवशेष है ना वो देखने को मिल जाएगा। मैंने हाँ ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये बिल्कुल पुराना नैरो गेज का इंजन,
फाइनली पहुंच चुके हैं जनकपुर धाम, और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेनली यहाँ पे भारत से लोग आते हैं जनकपुर धाम विजिट करने के लिए। और जनकपुर धाम क्यों फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मिथिला नरेश का नाम सुना होगा आपने, राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक की जो पुत्री थी माता सीता, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। राम मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर कौन है? कौन सा लक्ष्मण मंदिर? लक्ष्मण मंदिर है, जानकी मंदिर है, और जनक जी का मंदिर भी है ना, जनक धाम वही मेन है। यहाँ से स्टेशन से कितना दूर होगा? थोड़ा ही दूर है, मतलब यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा किसी को भी? यहाँ पर मिले। अच्छा, वहाँ पे बैटरी रिक्शा, कोई भी रिक्शा मिल जाएगा? जानकी मंदिर जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से आप आराम से रिक्शा में बैठ करके ना सारे धार्मिक स्थल जो है वो घूम सकते हैं। और मेनली यहीं पे लोग आएंगे, यहीं पे लोग ट्रेन को डिवोट करेंगे, जो लोग जनकपुर धाम घूमने आएंगे, जो लोग सारे टेम्पल्स जो है वो देखना चाहते हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं। कभी ट्रेन में बैठो इधर? नहीं बैठो? अब बैठोगे इसमें? ये बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन को देख रहे हैं, शायद जब ये पैदा हुए होंगे ना तब यहाँ के जो ट्रेनें हैं वो बंद हो चुकी होंगी, और अब इनको ट्रेन देखने को मिल रहा है। कैसा है, कैसा है ट्रेन? अच्छा है, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कब जाओगे फिर इसमें? अभी अभी दवा नहीं है, हाँ दवा नहीं है। और ऐसा लग रहा है मेरे गले में जो है वो हार डाल दिया गया हो। खैर, फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने जर्नी के लास्ट स्टॉप यानी कि कुर्था, और अराउंड 34 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और समय अगर आप नहीं पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि करीब 2 घंटे का समय जो है वो लगा हमें ये डिस्टेंस कवर करने में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के लास्ट हॉल्ट यानी कि कुर्था, और सिर्फ यहीं तक हमारी ट्रेन का जर्नी था, और इसके बाद से हमारी ट्रेन जो है वापस रिटर्न होने वाली है जयनगर के लिए। एक और चीज़ है, इसके आगे ना यानी कि बर्दीबास तक जो रूट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस हल्की सी फिनिशिंग जो है वो बाकी है। तो वो होते ही ये ट्रेन जो है वो और आगे तक जाएगी, और उसके बाद से जयनगर से बर्दीबास तक जो ट्रेन है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कि रूट जो है कब तक तैयार होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक की जर्नी करके काफ़ी मज़ा आया, और पहली बार नेपाल के अंदर मैं आया हूँ। बचपन में पता नहीं कब गया होगा मैं, लेकिन अपने होश में पहली बार नेपाल में आया हूँ, और वो भी रोडवेज से नहीं बल्कि रेलवे से। और एक और चीज़ है कि अगर ये चीज़ सफल हुई ना तो इसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो काठमांडू से रक्सौल के बीच भी जो रेलवे लाइन है वो भी बनाने की कोशिश करेगा, शायद उसका भी कुछ प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। तो आने वाले समय में उस रूट भी जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाए। तो हमारी जर्नी में बहुत सारे मेहमान भी थे, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। आप बनारस से आए थे और आप लखनऊ से, आपके चैनल का नाम क्या? यात्रा ऑन ट्रैक। यात्रा ऑन ट्रैक, तो इनको फॉलो कर लीजिए, ये लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी और भी लोगों से आपको मिलवाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग आ जाए हुए थे। चलिए और लोग से आपको मिलवाते हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप भैया से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से हमको चैनल नहीं खोले थे, उसके पहले से इनका वीडियो देखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और आज हमारी इच्छा पूरी हुई। थैंक यू सो मच सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मत बोलिए बस। नहीं सर, आपके वीडियो ही देख के हम लोग आप बड़े हम बड़े बड़े हो चाहे छोटे हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मामले में आप एकदम आगे हैं और सबसे आगे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब लोग थोड़ा हाय हेलो बोल दो यार। हाय हेलो। तो ये लोग हमारे साथ सफर कर रहे थे, इन सबको मिलवा दिया था, मोनू भी सफर कर रहे थे, 600 दिए थे ना मैंने। भाई हाय बोल दो। हेलो। तो ये सभी लोग सफ़र करते मेरे साथ, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी लोग शायद पहली बार नेपाल आए हैं, वो भी ट्रेन से, पहली बार ट्रेन चल तो पहली बार ही आए होंगे। चलो काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला, बस बीच में इशू आए थे थोड़े, वो चलता है उतना कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन थोड़ी सी डिले आई यहां पे बस, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और
एक और चीज़ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी आने वाली जर्नी की सारी अपडेट जो है वो शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और चीज़ है, जय भारत और जय नेपाल। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यार वो जिस रेलवे स्टेशन पर रुका था, जहाँ नाम ले रहा था, जहाँ माता सीता का वो कह रहा जन्म हुआ, जतखंडी या इस तरह का नाम स्टेशन का ले रहा था यार, क्योंकि नाम थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल होते हैं यार। वो स्टेशन भी पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से अच्छा, नेपाल का। नेपाल को इतना खास तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन आबादी कितनी थोड़ी, कितना छोटी। नहीं नहीं यार, जहाँ वो एक नहीं, वो एटीएम वाला नहीं, वो तो पहले था, एटीएम के बाद एक यार उसका नाम बड़ा भाई डिफिकल्ट है, जहाँ माता सीता का वगैरह ना जन्म हुआ, उन्होंने उसको भी इतना सजाया होता, वही रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से अच्छा है। मैं इसको नहीं मानता, पाकिस्तान के भी बड़े वो तो कितना खूबसूरत पेंटेड था, साफ सुथरा था। देखे मैंने, मैं फैसलाबाद का देखा, मैंने देखा है फैसलाबाद का, मैंने देखा है खूबसूरत है फैसलाबाद का ही है, खेत सुहा खूबसूरत है। वो यार सफाई के मामले में बात करें तो वो नेपाल का, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, जहाँ वो कह रहा है भाई अक्सर इंडियन आते हैं, मतलब माथा टेकने यहाँ आते हैं, अपने जो हकीकत से आते हैं, तो वहां पर वो कह रहा था, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही पाकिस्तान के स्टेशन से कितना उन्होंने पेंट किया था, साफ सुथरा था, कितना बेहतरीन माहौल था, नीचे लपट देखे उनकी जो बिल्डिंग थी वो कितनी ऑफ व्हाइट कलर से चमकाई थी, कंट्रास्ट कलर लगे होते, कितनी शानदार थी। ये तो बात है, साफ सुथरा भी था, क्या नेपाल के रेलवे स्टेशन है हमारे रेलवे स्टेशन नॉर्मल होगा, लेकिन वो साफ हो तो अच्छी लगती, चाहे कोई भी चीज हो, सादगी जरूर हो, सादगी हो लेकिन सफाई होनी चाहिए, वो चीज मैंने देखी है। ये बात है, लेकिन इतना ये जरूर है, पहली बात भाई ने की अच्छी बात है भाई, नेपाल और इंडिया के दरमियान भी ट्रेन चल रही है, मुझे तो ये हैरानगी हो रही, इसका मतलब ये कि नेपाल और इंडिया जो है, हालांकि भाई ने शुरू में बोला ही है, बोला भी है कि ये नेपाल और इंडिया का ऐसे रिश्ता है जैसे रोटी बेटी या इस बेटी रोटी बेटी किसको नाम ले रहा था, या देख या दूसरा चाम दामन चोली का, दामन चोली का सवाल। ये बात बाकी से मैं यार ट्रेन में वो पूछ नहीं रहा था कि नहीं है आ रहा इंडिया से कोई, आ रहा है नेपाल से आ रहा है, एक दूसरे वो फिर आ जा रहा है, जैसे एक कंट्री इतना कुछ एक नहीं है, ऐसे बॉर्डर पर तो वैसे इमिग्रेशन वहां पर तो होती होगी, देखी तो कोई नहीं, तो हाँ देखी तो नहीं, लेकिन होती होगी, हाँ सिक्योरिटी वाले थे ट्रेन वाले, ट्रेन के अंदर, लेकिन उधर थे नहीं। यार ट्रेन कितनी शानदार थी, खूबसूरत सजाई हुई, दुल्हन की तरह ट्रेन सजाई हुई थी, बाहर से शानदार उसकी लुक थी, और अंदर से तो खूबसूरत वो थी ही थी, लेकिन जो बाहर से जो अट्रैक्शन लुक थी बड़ी बड़ी कमाल थी, ऊपर वो कलर उसके और उसके ऊपर फूल डार्क ब्लू कलर, भाई वो भाई के गले में भी पड़ गया हार, यूं तो हम हमारे दुल्हन ने सजाते हैं, या जब कोई या दूसरे मानो में कहूँ शादी ब्याह या सुहाग रात वाले दिन जो बेड सजा होता है, मैं वो उधर ही चला जाता हूँ, तो कोई नहीं, तो वहाँ अक्सर ऐसी मैंने सजावट भी किया है। यार ये तो खूबसूरत है। अच्छा मैं पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेन चलती रही शुरू, खूबसूरत है यार, खूब ट्रेन कलर बड़ा खूबसूरत है, मुझे कलर बड़ा पसंद आया ट्रेन का यार, बाकी कितने शानदार पेंट हुई है, उसके अलावा उन्होंने फूलों से जो सजाई बस मेहनत की हुई है, अंदर से भी ठीक थी, भाई ने वॉशरूम भी दिखाया, भाई ने सीटें भी दिखाई, सारी सीटें नीट क्लीन न्यू, वॉशरूम यकीन कर दे बिल्कुल साफ सुथरा नीट क्लीन, उसके बाद डोर जो है उसके दरवाजे जो है वो भी बड़े शानदार, फिर पंखे भी लगे हुए हैं, हर सहूलत है जो कि एक बेहतरीन समय रेस्टोरेंट में जाए। ये इंडिया की ट्रेन है कि इंडिया की ना, इंडिया से जा रही है नेपाल, और अच्छा यार हमने देखा था जब अयोध्या में राम मंदिर का अफ्ताह होना था, तो लोग कितने लोग आए थे नेपाली जो नेपाल से, हाँ लेकर आए थे दान, लेकर आए थे दान, वो गाड़ियों पर आए थे, गाड़ियों पर आए, जयनगर ये से चला है, मैंने जयनगर पर एक और बड़ी अजीब चीज देखी, तांगा खड़ा है अभी भी उधर है, ये जयनगर इंडिया के ही ना, तो उधर तांगे का मतलब है अभी भी उधर तांगे चलते हैं,
हमारे यहाँ तो नहीं चलते बिल्कुल भी, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। मैं तो तांगा देखा है यहाँ, छोटे होते भी को मैंने कोई एक बार नहीं, मैंने तो सफर भी किया तांगे कई मरतबा, हाँ कई मरतबा किया तांगे, कि अपनी सवारी अपनी मजा यार सफर कर देता है। लेकिन इंडिया में आज तो हो गए ऐसे इलाके जहाँ पर क्या नहीं कुछ ज्यादा जो बॉर्डर एरिया होंगे वहां पर ऐसे चल रहे होंगे, जयनगर वो समझ लगे बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, लेकिन उधर भी सफाई सुथराई जरूर थी, चाहे उधर तांगे थे या थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में मान लेता हूँ, लेकिन उधर भी पेंट हुआ था अच्छे तरीके से, दीवारों को सफाई सफाई सुथराई भी थी। बिल्कुल मैंने एक बात नोट की, वो है नेपाल की कि इतना ज्यादा गुटवैप नहीं है नेपाल, ना उसको रोड जितने अच्छे हैं और ना ही कोई उसकी इतनी मैनेजमेंट है, ये कुछ भी नहीं है इतना, पता नहीं वहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान जैसे ही पॉलिटिशियन है वहाँ पर या आर्मी रूल। नेपाल एक गरीब कंट्री है, इतना पावरफुल नहीं है, अपनी कोई इतनी खास फोर्स नहीं है, अपनी खास कोई मतलब नॉर्मल सा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल, ये पाकिस्तान से भी क्या दूर है, ये भी खर्चा सारा इंडिया ने किया होगा, मुझे भी ऐसे लगता है। चलो क्योंकि इंडिया की कीरत सिर्फ माता सीता या उनके जो हिंदू धर्म की वजह से ज्यादातर है, ये भी है वो जन्मभूमि उनकी, प्योर हिंदू कंट्री है नेपाल भी, तो इंडिया यार ऐसे जैसे इंडिया सॉरी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है ठीक है ना, दोनों मुस्लिम कंट्री है, चाहे सऊदी अरेबिया के हम मुकाबले के नहीं है पैसों के लिहाज से, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया हमारी इज्जत करता है थोड़ी बहुत ही जो भी है वो, उस वजह से क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री, इसी तरीके से समझे नेपाल एक बैकवर्ड कंट्री थोड़ा सा मॉडरेट मॉडरेट कंट्री है, लेकिन इंडिया एक तरक्की की तरफ गामजन है तो वो उसको सपोर्ट भी करता है। आई थिंक ये ट्रेन सारी इंडिया नहीं चलाएगी, मुझे भी ऐसे लगता है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, नजर ही नहीं है, काफी यूनिवर्सिटी रखती है तो इतना तो खास डेवलपमेंट वहाँ पर नजर नहीं आई थी। चलो जी खैर ओवरऑल अच्छी थी, भाई ने अंदर जो व्यू दिखाया पंखे चेयर्स का वॉशरूम एक एक चीज हमने देखी अच्छा लगा, सजाई थी उन्होंने बड़ी तरीके से, तो शानदार थी वीडियो, मिलता नई वीडियो बनाटा साथ, गॉड ब्लेस यू।